हमारे इस चैनल करम एंटरटेनमेंट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बड़ी पुरान कहावत है बाबूजी, पहले ऐसा कहात रहे लेकिन चार लाइन गाने की भूमिका है कहना बा। चंदन का तेज बढ़े पत्थर पे घिसने से, काजल के तेज बढ़े नैन में लगाए से, हीरे के तेज बढ़े ताज में विराज, सुवर्ण के तेज बढ़े यज्ञ में तपाए से, नारी के तेज बढ़े पति चरण प्रेम, कवियों के तेज बढ़े हरि गुण गाए से, माधो कहे तेज सबका अलग है, लेकिन गवैयन के तेज बढ़े सुनवैयन के पाए से, श्रोता बढ़िया है, गायक अगर गड़बड़ो बात तब अच्छा कार्यक्रम होगा। ए भैया तो बड़ा सुंदर भाव बा, जब घर में दुल्हन आवत है बाबूजी तो बड़ी खुशी होते है, चाहे दुश्मन क्यों न हो उसके दिल में जरूर कुछ ना कुछ भावना बदल जाती है कि भाई आज फलाने के घर में बहू आई है, शादी है, बहुत खुशी है बाबूजी तो, लेकिन इसी भाव में भाव देना पड़ा कहना है। अरे दुश्मन के निगाहों में भी प्यार झलकता है, अरे दुश्मन के निगाहों में भी अरे प्यार झलकता है, शुभकामना सब का विधान कुछ ऐसा, कहानी की शुरुआत होता, आप लोग थोड़ा सा कहानी पर ध्यान देंगे भैया, कहानी मौके के बाद जौने उपलक्ष में आप सब यहाँ आए हैं उसी उपलक्ष में एक छोटा सा प्रसंग है और कहानी है, तो कवि को यहीं से बाबूजी कहना पड़ा। कहानी की शुरुआत लंका से हो रही है लेकिन जब ये कहानी अयोध्या में पहुंच जाए तो शुभ हो जाए बाबूजी, तो कवि को कहना है। एक रोज सेज पर रावण, मंदोदर बगल में
रानी करना ना कोई मत ध्यान देंगे। एक दिन के बाद दसगंधर सो रहा था बाबूजी, मंदोदरी जाके धीरे से बगल में सो गई, और जैसे मंदोदरी सोना शुरू किया बाबूजी, तैसे सपन देखना शुरू किया। मेहरारू सपन ज्यादा देखा थे जब खलिहर रहा था। अच्छा, जब खलिहर रहा था सपन देखा थी मंदोदरी, जैसे सोना शुरू किया बाबूजी तैसे सपन देखे लगी, और सपने में मंदोदरी देखती है दूठी बड़ा सुंदर फूल, बड़ा सुंदर सुंदर दूठी फूल पाई सपने में, और वो फूल पा के मंदोदरी सपने में इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न जिसका बाबूजी कोई जवाब नहीं है। फूल को गले से लगाती है बाबूजी, फूल को चूमन करती है, और संजोग देखा इतने में मंदोदरी का आंख खुल गए, और जैसे आंख खुली बाबूजी सपन तो सपन है, उस सपन सपन हो गया। अब दोनों फूल हराई गए, सपन देखत रही, सपन सपन हो गए। मंदोदरी पट से रावण के जगाई, रावण उठ के बैठा, बोला रानी का बात बा, अरे कहीं महाराज वही हम इतना सुंदर सपन देखे, और वह सपनवा में दुई ठोर इतना सुंदर बढ़िया फूल पाए रहे, स्वामी जैसे हमारा आंख खुली तैसे वो फूल हराई गया, वह फूलवा हमके स्वामी लादा, वो जोन हम सपनवा में पायन। रावण बोला मंदोदरी रात ज्यादा बस सो जा, परेशान मत करा, कोनो जरूरी नहीं ना कि जोन सपने में तू देखा हो का हम फूले लाइक दे, सो जा। लेकिन मंदोदरी समझाने से मानी ना, बाबूजी जिद आई गई। अच्छा, कोनो कोनो मेहरारू बहुत जिद्दी होती। अच्छा, अगर मेहरारू कहत बा कि बाजारे जाता ई चीज ले, अगर मन से तू न लाए तो मेहरारू कोनो कोनो बहुत जिद्दी होती, बिना मगाए ले मनती ना। अब मंदोदरी जिदिया गई कि नहीं स्वामी, जवन हम सपने में फूल पाए रहे वह फूल हमें लाए। तो देखा मंदोदरी कैसे जिदिया गई बाबूजी, एठो तर्ज बा। तर्ज कौन बा भैया? तो देखा तर्जी अब है बा भैया, ये हमारे गुरुजी नई नई तर्ज लिखे। दिल्ली जात रहे तब, दिल्ली जात रहे रेलगाड़ी पर रिजर्व डब्बा में, और एक लड़की बाबूजी अपने सीट पर सोवती रहा है, और मोबाइल रखे रहा है सीने पर, और मोबाइल में बिरहा चलत रहा है, तो सुने वाले जो रहे वह सब हंसे, और लड़की सोवत गया, और जाते गए हमारे गुरुजी संजोग से वही डब्बा में रहे, तो तर्ज लिखे का लिखे। भीतर घुसी मोबाइल बिरहा गा, भीतर घुसी मोबाइल पी रहा गा, अपना मस्त नींदमा सब कहां से, इसी भाव में मंदोदरिया जिदिया गई दसगंधर से, कहने लगी स्वामी वो जवन फूल हम सपने में पाए रहे आपको लाना है, चाहे जैसे लावे बात
तो रानी हाथ जोड़ दशकंधर का समझावती फूलवा लायदा स्वामी पानी गोली चढ़ा रानी आरत कही के रानी आरत कही के पग पे शीश झुकावती बा फूलवा लायदा स्वामी पानी गोली चढ़ा रावण कहा मंदोदरी रात ज्यादा बा आधी रात के समय बा लगभग तो न मनबो तो ठीक बा हम तो हर मागन पूरा करे बदे जाते हैं और जब तक फूल पाए न जा मंदोदरी तब तक लंका में नहीं आओ मंदोदरी कही स्वामी हमें विश्वास बा कि आप फूल पाए जावे तो विमान सजा के दोस्तों रात के समय में दस कंधर तैयार हो गया और देखे आप लोग कहाँ जात बा बहुत बड़ा विद्वान था आप सभी लोग जानते हैं बहुत ज्योतिष विद्या में आगे था दस कंधर ये प्रमाण मिलता है बाबूजी के त्रेता के समय में बाबूजी रावण जैसा विद्वान इस धरती पर कोई नहीं था अगर धरती पर कोई विद्वान था तो लंका में रावण था रावण जैसा कोई नहीं था अपने ज्योतिष विद्या से बाबूजी समझ गए दस कंधर तो देखा जात कैसे बा भैया अच्छा एक चीज तर्ज और आई गए ये हमारे मास्टर बजाएं कौन तज बजाएं भैया कि खाई लगलू जब से संजोगवा बुरा न माना जो मेहरारू बजारे जाए लगी वही न संपर्क गए जो भाई शहर चली गए न वो उनके तो छूट गए जो मेहरारू बजारे जाती हैं पान पुकार संजोग बीड़ी वो गांठे लगे बुरा न मनिया भैया हो सका तो दसमा काजनी न ऐसन हो बाकी तो मान लिया 98-90% तैसन है बाबू जी कहना है अरे खाई लगलू जब से सांजोगावा ओठावा पे चढ़त होए गोबा नंदन बन में बल करिया आप लोग ध्यान दे रावण कहां जा रहा है हर गईले नंदन बन में बल करिया देखे सूर पर बाबूजी नंदन बन में दशकंधर पहुंच गया जहां वो दोनों फूल हैं जो मंदोदरी सपने में पाई थी रावण जब पहुंचा देख करके बाबूजी बड़ा प्रसन्न हुआ बहुत खुश हुआ लेकिन इंद्र भगवान के परिलोक वो फूल का रखावत ही भैया पहरा देते हैं और ताकि वो बगीचा में कोई वो वन में कोई हलन पाए अब देखा दशकंधर सोचत बा कि अगर हम जबरदस्ती तोड़ी थे तो हमार बड़ी बुराई हुए और हम इंद्र भगवान से फूल मांगी थे तब वो बदनामी हुए और अगर हम लड़ाई करी थे तब वो ना ठीक बात
तो रावण बड़े संकट में पड़ गए बाबूजी। का कहे? सोच फूल बद हाथ अरे इंद्र से बढ़ाई लगी है कलंक हो उचित नाही यही बदे समरिया हर उचित नाही यही बदे समरिया देख दसगंदर घात मबाग की कब मौका पा जाई फूल तोड़ ली और संजोग से बाबूजी सवेरे का टाइम बा और सवेरे का टाइम में दसगंदर का मौका मिल गया तो छल कही के रावण लिहिस हर तू ना फूल तोड़ी अब पूछा पर बिवाना फेर इंद्र पाई की खबरिया हर कांप इंद्र पाई की खबरिया देख सूर्य रावण दोनों फूल तोड़ के बाबूजी देखें लंका की तरफ भागना शुरू किया। परी लोग जाके इंद्र भगवान को बताएं कि महाराज वो फूल दोनों बगीचा में नहीं है। इंद्र भगवान जब सुने बाबूजी तो कांपे लगे क्रोध से और भाग के गुरु बृहस्पति के पास गए। जब गुरु बृहस्पति से पूरी घटना बताए तो गुरु बृहस्पति अपने तंत्र मंत्र विद्या से विचार करने लगे तो गुरु बृहस्पति इंद्र भगवान को शांति करके बाबूजी वो भेद बतावता है। का भेद बतावता है? गुरु बृहस्पति बतलाए या फूल धरा पर जाएगा, गुरु बृहस्पति बतलाए या फूल धरा पर जाएगा। ले गया दशानन लंकापति पर काम हुसैना, गुरु बृहस्पति तुरंत जान गए। इंद्र भगवान से कहे देखा परेशान हो एक बात ना बा, ये फूल लंकापति रावण ले जा रहा है मृत लोक में ले जा रहा है लेकिन वह फूल के अंदर कौन गुण बा ये रावण को पता ना बा। वह फूल में बाबूजी बहुत बड़ा गुण था लेकिन रावण को पता नहीं है। इंद्र भगवान शांति हुए बाबूजी और देखें तब तक फूल लेके दसकंधर लंका में पहुंचता है टेरी के भाव में बाबूजी। बाबूजी वो दोनों फूल लेके जब दसकंदर लंका में पहुंचता है मंदोदरी को दिया भैया तो मंदोदरी पा के बाबूजी बार बार रावण के चरण को चूमन कर रही है कि अरे स्वामी मन से दू होते सो जवन मेहरारू सपने में देखे भैया
और जे मर्द लाई दिए तो बतावा ओकरे इसके मर्द वा भैया मंदोदरी रावण के चरण के बाबूजी चुमन करते ही कि वारे स्वामी हम जो सपने में देखे वो का आप हकीकत मिला के दे दिया। देखिए बाबूजी बड़े प्यार सम्मान से मंदोदरी उस फूल को रखती है बाबूजी और रावण लंका में राज कर रहा है, लेकिन राज करते करते काफी समय बीत गया और कौन समय बीत गया, उस समय आएंगे कि अब आप लोग लंका से सीधा अयोध्या चले। अयोध्या में इसलिए चले कि राम के ब्याह भा और सीता के साथ साथ दुल्हन बन के बाबूजी जैसे उर्मिला हुई और सीता हुई, मांडवी हुई, सुकीर्ति हुई, ये जनकपुर से बाबूजी चार चार दुल्हन महाराज दशरथ के घर में आती हैं। जैसे प्रधान भैया के घर में दुल्हन आई है कितनी बड़ी खुशी है और उसी उपलक्ष में जलसा सजाया गया है। लेकिन आप लोग चलिए, जिस समय राम का विवाह सीता के साथ में होता है और लक्ष्मण के विवाह उर्मिला के साथ होता है, मांडवी के विवाह भरत भैया से होता है, सुतकीर्ति के विवाह बाबूजी शत्रुघ्न भैया से होता है, उस समय बाबूजी कितनी बड़ी खुशी रही हुए चार चार बहू जनकपुर से चल के बाबूजी अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में दुल्हन बन के आती हैं। आज अयोध्या की शोभा बहुत बड़ी शोभा है बाबूजी, लेकिन कहना है चारो सुद का पिया हले जनकपुर मझारबा, चारो सुद का पिया हले जनकपुर मझारबा, आई ले अवधपुर में छाई ले बा, रामसिया जोड़ी मांडवी भरत संगवा, शत्रुघ्न सुकीर्ति उर्मिला लखन जी की अंगवा, अरे प्रीत भोज ठाने भूप होत जय जयकारवा, प्रीत भोज ठाने भूप होत जय जयकारवा, आइले अवधपुर में छाई हमारे परम सद्गुरु बड़े भाई माननीय श्री पिंटू यादव, पिंटू यादव जो जोर के पांव धरती से प्रधान भैया की तरफ से ये 201 रुपए का और सम्मान आया है। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद बा, सुखी जीवन की कामना बा और भैया को फरमाइश बा कि जौन सीता सुगना संवाद में जनकपुर में सखी लोग गारी गावतरी राम के ब्याह में तो दुलाइन हो मार दे। अच्छा भैया बराते गए हमारे प्रधान भैया, तो उस समय की बात बा जब बरात लेके महाराज दशरथ जनकपुर में गए थे तो जनकपुर की सहेली बाबूजी गारी गाव थी। सीता सुगना संवाद में दो लाइन दिया गया है, आप लोग सुने होंगे तो उसी भाव में बाबूजी देखा कहना है। अरे मन मोह मोहनी मुरतिया सखी दुला
ये प्रमाण मिलता है कि प्रीत भोज ठाने भूप होते जय जयकार। ये प्रमाण मिलता है कि राम की ब्याहे से बाबूजी ये प्रीत भोज का आयोजन शुरू हुआ है, जो आज हमारे भाई लोग नकल करके ये प्रीत भोज का आयोजन करते हैं। तो प्रीत भोज बाबूजी राम की ब्याहे से शुरू हुआ। अब संजोग देखे बाबूजी, महाराज दशरथ के इतनी खुशी जो ने कोनो जवाब नहीं, और माताएं बहनें भी बड़ी खुश होती हैं जब घर में कोनो अच्छी बात हो तो। बहुत सोहर मंगल गीत गावती माताएं बहनें, और जब दूल्हन आवत है तब का कहे एक बात, तो बुढ़ियों जवान हो जाती भैया। गारी गांव में सोहर मंगल गीत गांव में बुढ़ियों जवान की सुतेजी है। तो देखा बाबू जी कहना है, माताएं बहने गावा थी कि मीठा मीठा भतवा चुभाव रे, आज नई दुल्हन आई नवा खपड़े लवा छवाव रे, पुरान कुल उतार के धाई दे। हे भैया, लेकिन देखे कहना है गीत में हमारे, अरे दुल्हन ससुरवा में आई रे झरे स्वर्ग से बाबूजी। ऋषि मुनि देव सब नवते मैले हो, तमाम ऋषि महात्मा, तमाम राजा महाराजा अयोध्या में जमावड़ा हो रहा है राम के बियाह बा प्रीत भोज बा। ए बाबूजी, तमाम ऋषि महात्मा, तमाम राजा महाराजा एकदम अयोध्या में जुट रहे बाबूजी। सबको बड़ी खुशी है कि राम के बियाह बा, जैसे हमारे प्रधान भैया के बियाह बा। सबको, क्षेत्रवासियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को सब बड़ी खुशी है कि भाई प्रधान के बिया भा। तो बाबूजी संजोग देखें, पूरे अयोध्या में बाबूजी खुशी है।
ऋषि मुनि देव सब निवते मैले और लंका पति का भूप नवता पट सभी लोग बैठे हैं, हो सकता है कि कथा भागवत के माध्यम से कहीं जानकारी मिली हो आप लोगों को, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि राम के ब्याहे में रावण को न्योता गया था। बाबू जी महाराज दशरथ न्योता रावण को भेजे थे और जब न्योता अयोध्या में पहुंचा, अयोध्या के न्योता जब लंका में पहुंचा तो रावण अवाक हो गया। रावण सोचने लगा जाई कि न जाई, जाई कि न जाई, अब बड़े संकट में पड़ गया। मंदोदरी जब सुनी कि अयोध्या से न्योता है बार राम के बियाह बा तो और खुश भई। अब रावण के समझाओ दे नहीं महाराज न्योता न छोड़ा, अयोध्या जरूर जा। अब प्रधान भैया के यहाँ जे न्योता पाए कि न आए भैया तो थोड़ा सा गुस्सा लगवा करे, तो हमारे प्रधान भैया जो जोर के माननीय श्री पिंटू यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं मंच पर आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सर्वप्रथम पाली की धरती को प्रणाम करते हुए और छबिलाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी किसी ने कहा हम लोग जो है लखनऊ से निकले हुए थे और मेरी गाड़ी में जो है आला सोनमति का भाग टू बजना शुरू हुआ, तो पाली के जो है प्रधान जी के साथ तीन चार साथी थे, इन लोगों ने कहा भैया छबिलाल भैया का कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने गाड़ी से ही फोन किया, मैंने कहा भैया जो है कि 24 तारीख को आपका कार्यक्रम चाहिए, तो भाई साहब ने कहा भैया बहुत व्यस्त हैं 24 तारीख को, हमें कब खाली कहते हैं 23 को ही कार्यक्रम होना चाहिए। छबिलाल भैया जो है तुरंत डायरी उठाए और लिख ली, हम लोग न गए छबिलाल भैया बस केवल फोन पर बात हुई और छबिलाल भैया यहाँ आए, इसलिए मैं ग्राम पंचायत पाली ग्राम पंचायत जोधपुर धनतेरस ब्लॉक की तरफ से बिहार सम्राट छबिलाल भाई का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और छबिलाल भैया अभी किसी लड़के ने मुझसे कहा इसलिए मैं यहाँ आया कि भैया छबिलाल भैया से थोड़ा सा प्रार्थना करिए, निवेदन करिए काला सोनमति का भाग टू हम लोगों को सुना। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अपनी अपनी पसंद होती है तो आप लोग के जो फरमाइश है हम कोशिश करेंगे कि फरमाइश पूरी हो। इसमें कार्यक्रम लगातार चल रहा है, बड़ी व्यस्तता है, अभी रात में फिर हमको जाना है दोस्तपुर के लगे कार्यक्रम है और रात में हमारा प्रोग्राम यहाँ था कोंचा से और उत्तर भग्गू जलालपुर में, रात में वहाँ थे और यहाँ आए, यहाँ से फिर रात में वहाँ जाना है। थोड़ी सी 5 मिनट और समय लेंगे और उसके बाद जो हमारे प्रधान भैया का फरमाइश का तो हम कोशिश करेंगे फरमाइश पूरी हो। तो बाबू जी देखें कहना है माताएं बहने गावा थी लेकिन गीत की लाइन हुए बा कि दुल्हिनी ससुरवा में आई री झरे स्वर्ग से। आप सभी लोग जान रहे हैं गीत के माध्यम से कि राम के ब्याहे के न्योता प्रीत भोज का लंका में गया बाबूजी। रावण जब सुनता देखता है तो बड़े संकट में पड़ गया, जाई कि न जाई। मंदोदरी जब सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई, रावण को समझावत ही
कि ना स्वामी जरूर जाए। राम के ब्याह बा, दुल्हन घर में आई बा, अब आप न्योता स्वीकार करें और तुरंत ही लागे जा। अब रावण बड़े संकट में पड़ गया, का करें, कहां कहां भैया मेहरारू कहां माने पड़ा था। अजयना मान तू पैसा प्रधान भैया बुरा न माना, मेहरारू के अगर सही सलाह बा, सही सुझाव बा तो माने पड़ा था। तो मंदोदरी जी दिया गई, रावण कहा ठीक है मंदोदरी, हम अयोध्या जाते ही प्रीत भोज में न्योते में मंदोदरी कहीं ठीक बा स्वामी जा, लेकिन एक बात और बा, वहां बहू आई है तो मुंह दिखाई देख पड़े। तो रावण कहा हमारे कौन कमी बा कि हम मुंह दिखाई न दे पाऊ। मंदोदरी कहीं देखा ऐसा है जवन दुलहिन मुंह दिखाई मांगे ओका दी एक बार। रावण का भाई पता नहीं दुलहिन का मुंह दिखाई मांगे, अच्छा चला कोनो बात ना ना। रावण विवान सजा के बाबूजी चल दिया, लेकिन कैसे चले बाबूजी अरे रानी बोली हाथ जोर अरे सिरनाई बलदाई हो, अरे सिरनाई बलदाई हो, अब मागे बहुहर जवन दिया पुराई बलदाई। अरे अवध की नगरिया अब भोजन करने बैठा ऋषि मुनि के संघरिया। तमाम ऋषि महात्मा तमाम राजा महाराजा अयोध्या में बाबूजी जमावड़ा हो गया। जब भोजन तैयार हुआ तो भोजन करने जिस समय दशकंदर तमाम ऋषि महात्मा के साथ में बैठता है बाबूजी, एक बड़ी पुराण परंपरा बा, आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग माताएं बहने हैं या हमारे जो पिता तुल बुजुर्ग हैं इनको बाबूजी याद होगा। एक बड़ी पुरानी परंपरा ई बा, जब दुल्हन घरे में नई नई आवत है तो के हदी पदी जे होते हैं तो वह दुल्हनिया भोजन परोसा थे और परोस के थारी खींच लेते हैं। उस दुल्हनिया चाहे नंदोई रहे, चाहे जीजा रहे, चाहे मौसा रहे, चाहे मामा रहे, वो थारी परोस के तो के खींच ले। जब दुल्हनिया थारी खींच ले तो जेका जोन भगवान दे रहे तो बाबूजी वो दुल्हनिया के मुंह दिखाई देते। तो देखा रावण सबके साथ में भोजन करने बैठा है और सीता जी भोजन परोस रही हैं और रावण के सामने भोजन परोस के सीता थाली खींच ली। जब भोजन के ताली सीता खींच ली तो दशकंदर हंसा और बोला करे सीता हम जानते ही तुहे मुंह दिखाई चाहिए तो हमार भोजन के थाली दा मुंह दिखाई में का चाहिए मांगला। ए भैया अरे हंस के कहे दसानन भुजा उठाई बलदाई हो, अरे मांगा बहुहर देबे मुंह दिखाई बलदाई। रावण हंसा और कहा सीता दिल खोल के मुंह दिखाई जोन मांगे खो तो मांग ला, हमारे लंका में कोनो चीज का कमी ना बा। सीता मैया बहुत प्रसन्न भई, पहले जमाना में बाबूजी तीन त्रिमा चले जात रहा। सीता कही महाराज जोन मांगे मुंह दिखाई दे ब्या। रावण कहा दे। तीन बार जब सीता मैया रावण से कहवा लिए बाबूजी तो यह बाबूजी तीन त्रिमाचा हो जाता। अच्छा पहले के समय में बाबूजी ये तीन त्रिमाचा ना कटत रहा जिंदगी भले खत्म हो जाए, घर द्वार भले छूट जाए, लेकिन बाबूजी तीन त्रिमाचा कटत ना रहा। अब तो कई माचा खाए ला भिन सारे कहानी खत्म है। सही बात ये हमारे
प्रधान भैया के भांजा हैं सचिन यादव। सचिन यादव हरियाणा, इसमें हरियाणा में है, आ नहीं पाए मामा के ब्याहे में और मामी के देखा है। फायदा तो बहुत हो मामी के द्वारा, लेकिन भांजे फंसे हैं हरियाणा में और फोन करके बताएं कि हमारे नाम से 151 रुपया छबिलाल पाल को दे दीजिए। तो ये हरियाणा के धरती से बाबू जी सचिन यादव हमारे प्रधान भैया के भांजा हैं, उनकी तरफ से 151 रुपए का सम्मान और मुन्ना के सुखी जीवन की कामना बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा। ए भैया अब देखें सीता जी रावण से मुंह देखाई मांगत है, का मांगत है आधा में प्रमाण बा, कहना है होनी बलवान भाग वान जैसे रावण कहा बोला झट से भाई का चाहिए, देखे सीता जी का मांगत है। सिया सुने रहली नंदन बन में दुई सुवन अरे बाप रे बाप, रावण के ऊपर बाबूजी आसमान फट पड़ा। सीता जी रावण से कही महाराज नंदन वन में दूठी फूल बा, उहे फूल हमें मुंह दिखाई में दैदा। रावण अवाक हो गया, करे यह तो फूलवा हम अपने मंदोदरी के दे है और सीता कैसे जान ली।
अब रावण बाबूजी एकदम लाचार हो गया, सीता से क्षमा मांगा कि देखा ई जौन सामान मांगत दिया एका देवे बदे हमें थोड़ा सा समय दे, हम तो जानी कौन वस ने एक चार मजबूत, अब अभी समय बाप बदल दा ई फूल सूल का करबू। अब रावण सोचत बा कि सीता कैसे जान गई, यह फूल हम अपने मंदोदरी के दे है, अगर हाँ कह ले तो हमार मंदोदरी ऋषि आ जाए, और अगर इनकार कह दे तो तीन त्रिवाचा कट जाए। रावण बाबू जी बड़े संकट में पड़ गया और सीता जी से थोड़ा सा समय मांगा कि हमका थोड़ा सा समय दे दा और हमें विश्वास हुआ कि तुहार मागन पूरा हो। बात तो कटक ना चाहिए लेकिन हमें लंका तक फिर जाए पड़े। सीता जी भोजन के थाली रावण के सरकाई दी, रावण भोजन का कि बेचारे के उद्वास लाग गए, झट से हाथ वाथ धोए के ओचोन करके बाबूजी विमान सजा के रावण चल दिया। और बाबूजी कहना है उड़ते उड़ते जा करके जब लंका में पहुंचा तो मंदोदरी जब देखी तो चेहरा गुमलान बा, मंदोदरी के समझ मां कि कहां झगड़ा कैले हैं, मार गया है, मार गया है। मंदोदरी समझ गए कहां झगड़ा लड़ाई के की आवत है, चेहरा ठीक ना बा। पहुंचते भरे में मंदोदरी पूछे लगी स्वामी ये आपके चेहरा फीका बा का बात बा, कहां कोनो बात ना होएगी। कहे कुछ बात ना है ना लेकिन बड़ी जबरदस्त बात होएगी। कहीं का रावण कहत बा मंदोदरी का बताई कुल चौपट हो गया, हम तो उससे कहत रहन कि न जाम न उतर ठीक बा, कहीं का कुछ बतावा ना, कहे का बताई तू कह रही जौन दुल्हनिया मुंह दिखाई मांगे वह हाँ कह लिया, तो हम तो हाँ कह लिया, कहीं तो का भा कहे जौन वह फूलवा लाए के तुहे देहे है वह सीता जी मांग ली। अच्छा बताओ सीता का कैसे मालूम है गया, कही स्वामी यही की ताई बड़ी चिंता में पड़ा, कहे हाँ कहे चिंता न करा फूलवत हम धरे नहीं, अरे ही लागे ले जा सीता के दयावा वादा न करा भाई, तुरंत जा। अल्लाह बड़े सम्मान से बाबूजी मंदोदरी दुइनों फूल उठा के रावण को दे दिया। रावण कहा वारे मंदोदरी हम तो जानी ऋषि आई जाबू लेकिन ठीक बा मामला, तुरंत दुइनों फूल लेके बाबूजी दशकंदर विमान में बैठ गए और फिर अयोध्या की तरफ चल दिया। पूस पे विवाना वहां पे चढ़ी के दशानन में पहुंचा, बड़ा सम्मान हुआ। सीता को बुला के बाबूजी वही दो फूल जो सीता मुंह दिखाई में मांगी थी रावण दे रहा है बाबूजी, बुला करके सीता को क्या कहा और आखिर में कहना है बाबूजी, अरे प्रीत भोज माते के दुना सुमन वा चले, आज जे हदी पदी वाला आए हुए बाबूजी वो दुल्हनिया का कुछ ना कुछ मुंह दिखाई दे के जाए, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो सब दुल्हनिया मुंह दिखाई दे है और आशीर्वाद दे है। रावण सीता को मुंह दिखाई दे रहा है, अरे प्रीत भोज माते के दुना सुमन वा चले और ना ही रहने वही पुष्प कह दिया नवा चले, हमारे परम श्रद्धे परम सम्मानित मान्य श्री आशीष यादव प्रधान जी जिनके यहाँ हम सब आए हैं, भैया की तरफ से 501 रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बर वधु के सुखी जीवन की कामना है। बाबूजी प्रीत भोज माँ दे के दोनों सुमनवा चले और ना ही रहले वही पुष्प के गियनवा चले, आप लोग ध्यान दिया कि वह पुष्प में कौन गुण रहा, रावण के ना पता रहा,
और रावण के पता हो तो दोनों फुलवा उखा लिए। एक पुष्प पान के है अमर हो जाता नवा, और दूजे भूख प्यास से कुम्हिला लाना पता। एक पुष्प पान करने से बाबूजी शरीर अमर हो जात, और दूसरा पुष्प पान करने से शरीर में ना भूख लागत ना प्यास लागत ना शरीर को मिला। यह बाबूजी दोनों पुष्प में यह गुण रहा। एक पुष्प खाने से शरीर अमर हो जात, दूसरा पुष्प खाने से बाबूजी शरीर में ना भूख लागत ना प्यास लागत ना शरीर को मिला। ये दुर्वासा ऋषि बाबूजी सीता जी को बताए थे, रावण को नहीं मालूम था, नहीं तो दोनों खा ले। कहना है एक पुष्प पान के अमर होला तनवा, दूजे भूख प्यास से कुम्हिला लाना बदाना। ऐसे जोगी जति कर बयन भा चले, ऐसे जोगी जति कर बयन भा चले, और ना ही रहले वही पुष्प कगी ना चले। इस प्रकार से बाबूजी मुंह दिखाई माई सीता रावण से फूल पाई, और दोनों फूल में बाबूजी बहुत बड़ा गुण है। और पुष्प दे करके दशकंधर लंका में आया, प्रीत भोज संपन्न हुआ। और ये बाबूजी प्रीत भोज के बारे में गीत रही जिस उपलक्ष्य में आप सब आज यहाँ आए हैं। तो चली आ रही आदिकाल से प्रीत भोज की, जय गुरु सीता राम सा। अरे हनुमान सजावै कीर्ति हो, सुमनवा सिरजे शक्ति रुचि सुधा, पूजे छवि लाल गुरु माधव के चरणवा। सुमनवा सिरजे शक्ति बाबूजी, ये प्रसंग आप लोग सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल करम एंटरटेनमेंट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।